नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। कांग्रेस के सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर छाए महात्मा गांधी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के महात्मा गांधी पर दिए बैतुके बयानों की वजह से पार्टी को विपक्षी के हमले का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल शर्मित्र ने अपने एक बयान से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। उन्होंने शुक्रवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपिता थे लेकिन पाकिस्तान राष्ट्र के भारत राष्ट्र में तो उनके जैसे करोड़ों पुत्र हुए, कुछ लायक तो कुछ नालायक। हालांकि बीजेपी ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ने गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था। कांग्रेस बीजेपी ने नेताओं की गलती को भुगतने की पूरी कोशिश करने में लग गई है। हाल ही में कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की वॉल पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगा दी है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं के बड़बोलेपन के लिए कांग्रेस बीजेपी पर हमला भी बोल रही है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें गांधी जी की हत्या और नाथूराम गोडसे आरएसएस को लेकर लोगों की राय दिखाई गई है। गांधी गोडसे पर बयानबाजी से नाराज आनंद महिंद्रा भोपाल ने भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने के बाद सियासी घमासान मच गया। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने बयान पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने तो सोशल मीडिया प्रोफाइल में बापू की फोटो लगाकर भी भाजपा को घेरने की कोशिश की है। इस बीच विद्या में आनंद महिंद्रा ने महात्मा गांधी की हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताए जाने की आलोचना की है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने शुक्रवार को ट्वीट किया, 75 साल से भारत महात्मा की भूमि रहा है, एक वह मशाल की तरह है। दुनिया ने जब अपनी नैतिकता गवा दी, हमें गरीबी में धकेल दिया गया, लेकिन अब भी हम अमीर थे क्योंकि हमारे पास बापू थे। उन्होंने दुनिया भर में अरबों लोगों को प्रेरित किया। प्रज्ञा का नाम लिए बिना या उनके बयान का संदर्भ दिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ चीजों को हमें हमेशा पवित्र रहने देना चाहिए, वरना हम प्रेरित करने वाले या भरोसा देने वाले मूर्तियों को तबाह करते हुए एक दिन तालिबान बन जाएंगे। इस ट्वीट को कुछ ही घंटे में 6000 से ज्यादा बार रीट्वीट किया गया। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांति ने भी इसे रीट्वीट किया। वोटिंग से एक दिन पहले पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा, 4 घायल। लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले शनिवार को पश्चिम बंगाल में फिर चुनावी हिंसा हुई है। यहाँ के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर भिड़ंत हुई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को कैंगिन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी और TMC के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की यह घटना कन्नी थाना के अंतर्गत गोलाबारी बैगनपुर ग्राम में हुई है। आरोप है कि बीजेपी के समर्थकों ने लोहे की रॉड और डंडे की तृणमूल कांग्रेस की पिटाई की है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ने रॉड और बंदूक से उन्हें मारा। इसमें बीजेपी के 3 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना की शिकायत दोनों पक्षों ने ही कैनिंग थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि सोमवार चुनाव 2019 के अंतिम चरण का मतदान रविवार को होना है। इससे पहले के सभी 6 चरणों के मतदान के दौरान भी पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिली। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।